हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, दो फंक्शंस या दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला तो फॉर्मूला कन्फ्यूजन इसी में लेकर के हो जाती है कभी कभी। देखिए, अगर नए हैं आप तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है SQRT का। तो जैसे ही आप SQRT यहाँ टाइप करते हैं तो SQRT आ जाता है। अब इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे न कि स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में और स्क्वायर कैलकुलेट करने में दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो देखिए ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ 1.414 ये जो है स्क्वायर रूट आया है, ठीक है। जिसे हिंदी में आप वर्गमूल कहते हैं, ये वर्गमूल कैलकुलेट होकर के आया है, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, POW या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे पाव के नाम से भी जाना जाता है। POW केवल लिखा जाता है, ठीक है, केवल कीवर्ड लिखा जाता है वहां। तो ये हो गया पावर। अब मान लीजिए 2 का पावर कैलकुलेट करना है, 2 तो 4 होता है, ये तो पता ही है आपको, एंटर प्रेस करेंगे 4 आएगा। इसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे 2 to the power 3 कर देते हैं तो 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए आप SQRT का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16, तो ये 16 आ रहा है। अगर 5 करेंगे तो ये हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो 32 आएगा, ठीक है।